Vishwakarma. Naan choshu na yoga. का कोई ऑडिशन नहीं हुआ, बस विनोद जी ने, हम एक कॉमन फ्रेंड है हमारे जेकब, उनकी उनकी पार्टी थी वहाँ पर, हम सब लोग गए थे, उन्होंने वहाँ पीहू को पहली बार देखा और बोला मुझे तो पहली नज़र का प्यार हो गया, बोले पता नहीं क्या कनेक्शन है मुझे इस लड़की के साथ, कुछ तो है, बस वहीं से ही हो गया। मेरी फेवरेट एक्ट्रेस पीहू नहीं है, बकरी की ढोलनिया। इस फिल्म में हमने पीहू को डायरेक्ट नहीं किया, पीहू ने हमें डायरेक्ट किया, वो सीन देती रहती थी, वो बोलते थे मिल रहा है भगवान, दे रहा है बटोर लो, वो हम कैमरा ऑन करके सिचुएशन है उसमें वो जैसे रिएक्ट करती है बस उसको लेते जाते थे। बालकनी वाला और फ्रिज वाला तो देखने में स्केरी है, शूट करने में बिल्कुल स्केरी नहीं था, पर हाँ जो गैस वाला है वो वाकई डर था। जब हम वो शूट हो गया तो रोहित तो उस दिन पूरे दिन डिस्टर्ब था, रोया भी, सब बहुत डिस्टर्ब रहे कि वो सीन इतना हिला देने वाला था। मामा कौन सा बताऊं? जो भी बताओ बेटा। हाँ शाहरुख खान, लास्ट में सलमान खान। पीहू ने दो बार देखा है, एक बारी गोवा, इफी गोवा में जब ये गई थी वहाँ पे, और अभी जब दिल्ली में स्क्रीनिंग हुई थी वहाँ पे। वो जब अब फिल्म देखती है तो वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, बार बार सवाल पूछती है और एकदम अपने पापा को पकड़ चिपक के बैठ जाती है, कुछ कुछ बात नहीं करती, कुछ नहीं करती है, तो अब हम दिखाते ही नहीं हो उसको। मैं तो खाली उसकी अभी क्लास टीचर को पता है, तो वो तो शी वॉज वेरी प्राउड, बोली मैं जाकर देखूंगी बहुत। अब देखो, अब मूवी अब जब आई है तो अब लोग देखेंगे तो पता चलेगा। मैंने बस देखा था, बोला वेरी गुड, पर एक और फ्रेंड थी वो, उसने कुछ बोला था, वो डर गई थी। ये पूरा फिल्म वाला तो था नहीं, ये पूरी फैमिली, जैसे विनोद जी फैमिली, तो हम पूरा फैमिली थे, तो वो फ्रस्ट्रेशन लेवल कभी आया ही नहीं, क्योंकि पीहू को मैं नहीं खिला रही हूँ, रोहित नहीं खिला रहा है, या तो विनोद जी खिला रहे हैं, विनोद जी नहीं तो उनकी वाइफ साक्षी भी हमेशा रहती थी, जब भी आती थी वो खिला रही है, नहीं तो कोई और खिला रहा है, तो कभी वो फ्रस्ट्रेशन लेवल आया ही नहीं कि बस अब और नहीं कराना, नहीं ऐसा कभी भी नहीं हुआ। हमारी एक इमोशनल जर्नी रही है 3-4 साल तक, अब पता चलेगा कि लोग कैसे लेते हैं पीहू को, मतलब हम जो अब हमारी बेटी थी अब उसको सब देखेंगे। छोटे छोटे शहरों में बड़ी बड़ी बातें होती है।